अभी फ्लाइट चेंज होगा आप लोगों का कैसे होगा? The person is checking the engine. What I heard. Same flight, like हम लोग comfortable महसूस? हाँ, definitely sir. अभी land हुए हैं, वो rectify कर देते हैं engineers. अच्छा. Same aircraft चाहेगा अगर rectify. But जिस तरह का ये sound कर रहा था, मतलब. इसी को देखने के लिए अभी engineers और पूरा team भी आए engineers. I think everybody would like कि भाई भले एक घंटा लेट हो जाए लेकिन फ्लाइट सही हो. हाँ, ये कनेक्टिंग फ्लाइट तो ठीक है, लेकिन इस फ्लाइट को कौन जाना चाहेगा भाई? अभी हम लोग दिल्ली जा रहे थे और इंडिगो की फ्लाइट में हैं और आज लाइफ में पहली बार इमरजेंसी लैंडिंग को एक्सपीरियंस किया. जिस तरीके से प्लेन पायलट अनाउंसमेंट किया सबसे पहले कि हम लोग वापस पटना लैंड करेंगे, और ट्रबलेंस महसूस हुई, और ट्रबलेंस महसूस होने के बाद प्लेन में काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, डरावनी आवाज़ें आ रही थी, और एयर होस्टेस ने आके कहा कि आप लोग सब आगे की सीट्स को पकड़ करके अपना सर जो है वो आगे की सीट में हाथों से सटा करके पकड़ लीजिएगा जैसे ही आपको कहा जाएगा तब. उसके बाद लोगों में थोड़ा डर व्याप्त हो गया, लोग डरने लगे और प्लेन में जो है एक तनाव का वातावरण बना, और जिस प्रकार प्लेन से आवाज़ें आ रही थी सभी लोग थोड़े भयभीत थे, लेकिन सबको था कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, और अपनी अपनी तरह से लोग भगवान को अरदास कर रहे थे. और जब इमरजेंसी लैंडिंग का जब समय आया, जब प्लेन पटना एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंचा वापस लैंड करने के लिए, तो उस समय एयर होस्टेस ने कमांड दिया कि सब लोग आगे झुक जाएं और अपना सर जो है आगे वाली सीट में सटा लें हाथों से पकड़ के. और बड़ा ही खुशी का वातावरण हुआ जब प्लेन में ये महसूस हुआ कि लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग हुई, ट्रबलेंस के साथ हुई, झटके के साथ हुई, लेकिन सभी लोग सुरक्षित पटना वापस लैंड कर गए. आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, इट वाज अ एक्सपीरियंस ऑफ अ काइंड. मतलब डर तो बहुत लगा, बट साथ ही ये भरोसा था कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई. हमारे सहयात्री हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, आप भी यात्रा कर रहे हैं, कभी इमरजेंसी लैंडिंग पहले महसूस किए हैं? नहीं, पहली बार. पहली बार है, थोड़ा डर लगा होगा एक बार. हाँ, डर लगा, डर लगा. लेकिन पायलट को धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही समझदारी के साथ, जिस तरह से प्रॉब्लम्स हो रहा था, लग रहा था कि प्रॉब्लम सचमुच की समस्या है. उसके 10 से 15 मिनट बाद अचानक से जो एयर होस्टेस सब थी वो अचानक से बोलेंगे कि सभी लोग एकदम सीट पे बैठे रहे, कोई भी नहीं हिले, और जैसे ही हम आगे बोले वैसे ही आगे वाला सीट पकड़ के एकदम झुक जाए माथा टिका के उसके. तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन मतलब बाहर लग रहा था कि इंजन में आवाज़ कुछ ज़्यादा कर रहा है. मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ वो तो. फ्लाइट उड़ान भी भरी थी? फ्लाइट तो टेक ऑफ कर चुकी थी ना, अप्रोच ट्रेन से काफ़ी सीखने के बाद. अब आप लोगों के लिए व्यवस्था किया गया? व्यवस्था किया गया है, जो जाना चाहते वो जा रहे हैं, लेकिन हम जिस काम से जा रहे थे मेरा काम नहीं हो पाएगा तो मैंने टिकट को कैंसिल करा. क्या नाम लिखते हैं आप अपना? अली कुमार सिन्हा. कहाँ से आए थे? हम तो पटना से. चलिए, थैंक यू.